गुड मॉर्निंग पीपल, गुड मॉर्निंग फ्रॉम दार्जिलिंग। तो ये है डे टू। जैसा कि आपने अगर पिछला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि मैं करीब करीब 200 किलोमीटर राइड करके दार्जिलिंग आ गया हूँ। पूरे टाइम बारिश हो रही थी, मैं पूरा भीग कर दार्जिलिंग आया। और यहाँ आने के बाद जो होमस्टे है और जो लोग हैं जो मिले, तो सब कुछ वर्थ इट लगा। और फिर मैंने वीडियो वहीं ख़त्म कर दिया था। तो आज डे टू है, आज शुरू करेंगे एक नया वीडियो और आज दार्जिलिंग एक्सप्लोर करेंगे। तो मैं अभी सुबह के हो रहे हैं कुछ 7, पर मैं उठ गया था 6 बजे तक। पर बाहर अभी भी बहुत धुंध है, कुछ साफ नहीं हुआ है। तो पता नहीं, ज़्यादा उम्मीद तो नहीं है कि कुछ साइट सीइंग वगैरह हो पाएगा, पर लेट्स सी, जितना भी होता है उतना देखेंगे। अभी मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ, चेक करो। जैसा कि देख पा रहे हो, बाहर अभी भी कुछ भी नहीं दिख रहा है, एब्सोल्युटली सब कुछ वाइट हो रखा है। कुछ ज़्यादा उम्मीद तो है नहीं। तो अभी मैं बाहर आया हूँ। ये एंट्रेंस है ना, ये यहाँ से जाके अंदर से जाना पड़ता है। तो उस तरफ मेरा रूम है, जैसे कल बताया था मैंने, और बाइक अपनी यहाँ रखी थी। तो अभी इसको थोड़ा कोल्ड स्टार्ट करेंगे, और बाहर तो कुछ भी नहीं दिख रहा, इसको थोड़ा कोल्ड स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो अपना ब्रेकफास्ट तो आ गया है, अब देखते हैं क्या दिया है यार। ओके, इसमें शायद पूड़ी है, इसमें ऑमलेट है, ओके, और इसमें सब्जी है। वेरी नाइस। तो इसको अभी 5 मिनट में इसको ख़त्म करते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं, मिलते हैं आपसे बाहर। ये दार्जिलिंग शहर है और मैं दार्जिलिंग स्टेशन में आ गया हूँ, और ये कुछ ऐसा दिखता है। तो प्लान ये है कि मैं अभी यहाँ से, एक जॉय राइड होता है जो टॉय ट्रेन में करना है, तो मैंने वो प्लान किया है। तो मिस्ट तो अभी भी है, शहर पूरा ढका हुआ है, कुछ दिख नहीं रहा है, मौसम अच्छा नहीं है यार, क्लियर नहीं है। मतलब ये मेरी गलती है, ये रेनी सीजन में मैं आया, पर कोई बात नहीं। तो अभी हम जॉय राइड करते हुए बतासिया लूप तो पहुंच चुके हैं, लेकिन जैसे कि मिस्ट तो भरा पड़ा है, तो कोई व्यू नहीं नजर आ रहा, पूरा सफेद हो रखा है, तो दिख तो कुछ भी नहीं रहा। पर फिर भी अच्छा था राइड। अभी यहाँ से और भी थोड़ी देर की राइड बची हुई है, फिर वापस हम वहीं जाएंगे जहाँ से हम आए थे। तो यह जगह कुछ ऐसी है, दार्जिलिंग जितने भी लोग आए सबको पता है, बतासिया लूप एक बहुत कॉमन टूरिस्ट डेस्टिनेशन है यहाँ का। तो चलते हैं, यहाँ पे 15 मिनट का स्टॉपेज है, उसके बाद दोबारा अपना जर्नी कंटिन्यू होगा। तो हम अभी घूम स्टेशन पहुंच गए हैं। जॉय राइड का ये एक हॉल्ट है, यहाँ 20 मिनट तक रुकता है ये ट्रेन। यहाँ पे सामने रेलवे म्यूजियम है, तो कोई चाहता है तो जाकर रेलवे म्यूजियम भी घूम के आ सकता है इतने टाइम में। तो ये दार्जिलिंग शहर है, काफी सुंदर है यार। ये जॉय राइड एक बार आप दार्जिलिंग आओ तो जरूर करना, क्योंकि आप पूरा शहर घूम सकते हो इससे। तो हमारा जॉय राइड तो ख़त्म हो गया, हम वापस आ गए दार्जिलिंग स्टेशन में। ये है दार्जिलिंग स्टेशन,
और अभी आसमान थोड़ा साफ हुआ है, तो इस तरफ अब कुछ थोड़ा बहुत शहर दिख भी रहा है। तो अभी हमारा प्लान कुछ फिक्स नहीं है, मॉल रोड जाने का सोचा था, लेकिन मॉल रोड शायद हम शाम को जाएं, तो अब देखते हैं। तो अभी मैं फिलहाल कुछ ऐसे एक लोकेशन पे हूँ, ट्रेन राइड तो हो गया था, उसके बाद मैं थोड़ा टाउन और उसके आसपास का जो रीजन है ना वो एक्सप्लोर करने के लिए आया हुआ हूँ। तो उस तरफ देखोगे तो बादल तो अभी भी हैं, और यहाँ सारा टी गार्डन है, और क्या सही व्यू आ रहा है यहाँ से। तो बस प्लान ये है कि यहाँ शॉर्ट राइड अराउंड दार्जिलिंग का प्लान है आज छोटा सा, क्योंकि अभी शाम हो जाएगी तो अंधेरा हो जाएगा, फिर कोई फायदा नहीं है। तो चलते हैं एक छोटे से राइड पे। इस रोड से मैं नीचे आया हूँ और बाइक मैंने यहाँ रख दी है। क्या सही जगह है, अच्छी धूप निकल गई है और धुंध भी हट गया है, और अब सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। वैसे ऊपर तो बादल है, पर क्या सही लग रहा है, वो पूरा शहर दिख रहा है यहाँ से, वो नीचे नदी भी दिख रही है। चलते हैं। बे ये जगह का नाम क्या है? हाँ, फुनसलिंग, फुकचिरिंग। ये फुकचिरिंग क्या टी एस्टेट का नाम है? अच्छा, ये दार्जिलिंग के अंडर ही पड़ता है ना। दार्जिलिंग शहर यहाँ से कितना किलोमीटर होगा? ओके, मैं ये ऊपर वाले रोड से आया था। हाँ ओके ओके। फाइनली मेड इट टू द हार्ट ऑफ दार्जिलिंग मॉल रोड। तो अभी मैं मॉल रोड में खड़ा हूँ। तो ये जगह की खासियत है कि यहाँ कार्स बाइक्स वगैरह कुछ नहीं चलता, ओनली पेडेस्ट्रियंस आर अलाउड। तो पैदल चल रहे हैं, और बहुत बड़ा मार्केट है मॉल रोड में जैसे सबको पता होगा। तो कुछ खरीदना वरीदना तो नहीं है, बस ऐसे ही घूमने के लिए आया हुआ हूँ। बाइक काफ़ी नीचे पार्क किया हुआ है मैंने, और बस थोड़ी देर यहाँ बैठूंगा और फिर चला जाऊंगा। तो मैल रोड तक का आपने वीडियो देख लिया है। तो मैल रोड के बाद मैं गया था एक्चुअली रॉक गार्डन, वहां से जाना आना वो वाला फुटेज, और उस दिन शाम का जो क्लोजिंग मैंने किया था कि पूरे दिन हमने क्या किया और अगले दिन हम क्या करेंगे, तो ये फुटेजेस जो एसडी कार्ड में मैंने डाले थे वो अभी काम नहीं कर रहा है। तो आई हैव लॉस्ट द फुटेजेस। तो जो दार्जिलिंग गए हुए हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनको पता होगा कि रॉक गार्डन जाना और रॉक गार्डन से आना वो कितना स्टीफ रोड है और बहुत सीनिक है। तो हाँ, अब कुछ नहीं कर सकते, बट डे 3 पूरा मिस्ट में ढका हुआ था सुबह, एंड वीडियोस काफ़ी अच्छे आए हैं।
डे थ्री मिस मत करना, मैं जल्दी एडिट करके डालूंगा। एंड यहाँ तक देख लिया है, डे टू आपने इंजॉय किया है तो इस वीडियो को एक अपवोट ज़रूर करना, कमेंट कर देना, अगर अच्छा लगा है तो किसी के साथ शेयर कर देना, यूट्यूब को पता बताते हो कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, यू आर एंजॉइंग व्हाट यू आर वॉचिंग। एंड यूट्यूब का एल्गोरिथम बहुत अजीब है, सो इफ़ यू आर डूइंग इट थैंक यू, और मिलते हैं अगले वीडियो में।